नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शिवम धाकड़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं यहाँ पर इंदौर फार्मट्रेक एशिया एग्जीबिशन में, और यहाँ पर करतार की जो स्टोन लगी हुई है सर के पास आए हैं। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। पहले आपका जो हमारा सर हाल बढ़िया है सर, आप इंटरव्यू आपका दीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए आपका नेम वगैरह और कंपनी के बारे में। सर मेरा नाम दलजीत सिंह है। जी सर। और मैं करतार एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड पंजाब से आया हूँ। जी जी। यहाँ एग्जीबिशन में हमने अपना हार्वेस्ट लगवाया है करतार 4000। जी। 4 गियर वाला मॉडल। जी। जो मल्टी क्रॉप है, जो सभी फसलें काटता है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना जी। तो सर सबसे पहले अपन यहाँ रील देख पा रहा हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन कटर से शुरू कर लेते हैं। जी, इसका 14 फीट कटर है जी, जो हार्वेस्टर है हमारा। जी, जी। और 14 फीट कटर में हम 6 रील पाइप देते हैं जी, और दूसरी कंपनी क्या है वो 5 रील पाइप दे देती है जी, जी। हम 6 रील पाइप देते हैं, इसे 10 बोलते हैं जी, और ये 11 इंची की 10 है, इसमें 16 इंची का ऑगर लगा हुआ है जी, और इसमें स्पेशली कटर मोटर देते हैं जी। जी, इधर कटर मोटर, कटर मोटर देखिए। जी जी, कटर मोटर। इसका बेनिफिट ये है जी सर, कि जब हम फसल काटते हैं जी, उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा जी या दाती वगैरह आ जाती है, तो ये बेल्ट स्लिप कर देती है जी, वो अंदर नहीं जाती, तो गाड़ी में नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता, तोड़ फोड़ नहीं होती। तो सर मैं अभी आज के टाइम पे जैसे कि किसान मक्की लगाने लग गए, तो अपन कटर चेंज कर मक्की भी काट सकते हैं क्या गाड़ी से? हाँ, इसका कटर भी हम बनाते हैं, मक्का वाला कटर बनाते हैं, वो अलग से आता है जी। जी। अगर इससे काटना हो तो उसकी साथ थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, इससे भी कट जाती है, जो छीटे वाली मक्की होती है जी, जी। वो इससे भी हम काट सकते हैं। तो सर जो इसका जो टैंक है वो कितने कैपेसिटी का है, कितने क्विंटल जाता है अनाज उसमें? 20 क्विंटल की कैपेसिटी है इसकी गेहूँ की, और 380 लीटर का इसका डीजल का टैंक है जी। सर इसका इंजन कितने एचपी का और कितने सिलेंडर का इंजन इसमें आपने लगाया हुआ है? इंजन इसमें अशोक लेलैंड का 101 हाउस पावर का है, 6 सिलेंडर इंजन है जी, जिसकी 7.5 लीटर और मैक्सिमम 8 लीटर की प्रति घंटे की एवरेज है जी। तो सर जैसे कि आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है, काफ़ी नामी कंपनी है दोस्तों करतार, और सर आपने जो नया मॉडल आया लेकर आए हैं आप, इसमें क्या सुधार किया है आपने पहले से अभी तक? सर ये नया मॉडल ही है जी, इसमें सुधार, हमने 6 जगह स्टील पहले भी लगाते थे, अभी भी स्टील है, कटर में स्टील है जी, चैम्बर में स्टील है जी, बरम बाडी में है, एलिवेटर में है, हेड है जी, और गैड्रम की जो पत्ती है, मतलब जो घिसाई वाले पार्ट है वो टोटल स्टील के लगाए हुए हैं जी। सर आप टायर कौन सी कंपनी के देते हैं किसान को अगर कोई लेता है तो? टायर सर हम चॉइस में देते हैं, जो किसान की चॉइस होती है, जैसे BKT हो गया, MRF हो गया, गुडियर हो गया जी, तो हम जो भी किसान चॉइस करता है कि हम वो टायर चाहिए, हम वो डाल के देते हैं। तो सर इस मॉडल की और भी आप खास बात बता दीजिए जो आपको आपकी जो मशीन को अलग बनाती है दूसरी कंपनी से। सर 90 क्विंटल गाड़ी का वेट है हमारा जी। जी सर, सबसे खास बात यह है कि टोटल गाड़ी को लॉक नट लगे हुए हैं जी। जी, कोई भी सादा देसी नट नहीं लगा हुआ, हूं सर लॉक टोटल लॉक नट रहा, और गाड़ी में खास बात यह है कि एक POP पेंट है, भट्टी पेंट है जी, जी, जो कभी उतरता नहीं है जी, और पेपड़ी नहीं बनती उसकी जी, जी, बाकी लॉक नट लगाए हुए हैं जी, सभी ढलाई वाले पार्ट हैं सब जी जी, और रबड़ पार्ट सेम है। जैसे कि आप बेल्ट है, बेल्ट भी सर चॉइस के अनुसार देते हैं या नहीं? नहीं, बेल्ट कंपनी की डाल के देते थे, जो कंपनी डाल के देते जी। जी सर, और इसके साथ 92 एटमे का जो स्पेयर पार्ट की लिस्ट होती है जी, 92 पार्ट होते हैं उसमें जी, जी वो कस्टमर को साथ में फ्री देते हैं, और एक सीजन की कस्टमर को सर्विस देते हैं जी। जी सर, तो और सर दूसरी बात, जो पीछे वाला हिस्सा आ जाता है इसका जी, वो दूसरी कंपनी सीधा लगाती हैं जी, हम 6 इंची या 9 इंची टेढ़ा लगा देते हैं जी। जी, और क्रैंक बैरिंग हमने 7 नंबर कर दिया, पहले 6 नंबर डालते थे जी। तो सर ये 7 नंबर बेरिंग डालने का क्या फ़ायदा है आपका? स्टॉक ज़्यादा हो जाता है जी, जी जी, पीछे से भूसा जल्दी बाहर आता है। सर मैं देख पा रहा हूँ अभी, मतलब जैसे कि हमने भी कंबाइन से गेहूँ कटवाए, तो बहुत सी बार मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, दूसरी कंपनियों की गाड़ी गेहूँ पीछे गिरा देती है, उसका क्या कारण रहता है? सर पता क्या, क्वालिटी में अंतर आ जाता है जी। जी सर, जैसे नाबा मेड गाड़ी है जी, जी वो हाथ से बना देते, हम तो गाड़ी जो बनाता पूरी मतलब तकनीक से बनाते हैं। सर जी मैं आपकी जो कंपनी है वो विजिट की है मैंने 2 महीने पहले, तो मैंने वहाँ पर देखा एक तो रोबोटिक वेल्डिंग है और CSC प्लाज्मा कटिंग से आपकी जो मशीन है वो बन रही है, वही फर्क है सर। तो सर उसमें एक क्या तो है हाथ से बनाएंगे जी, एक प्लाज्मा कटिंग से होगा जी, टोटल फर्मे में गाड़ी बनती है, तो हमारी गाड़ी जो पीछे दाना गिराती है वो नहीं गिराती जी, ये हमारी खास बात, क्योंकि सब आपकी जो गाड़ी है सबकी मतलब बराबर कटिंग होती है CNC प्लाज्मा कटिंग के द्वारा, और जो हाथ से बनाते हैं वो कम ज़्यादा कटता है गाड़ी, बिल्कुल उसी की वजह से थोड़ा बहुत अंतर गाड़ी में रह जाता जी, है जी। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा पे या फर्मे में गाड़ी फिट करके बनाते हैं। तो सर और आप क्या कहना चाहोगे अपनी गाड़ी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को कि करतार की गाड़ी अच्छी गाड़ी है और अच्छी गाड़ी खरीदने का ही फायदा है, क्योंकि पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, एक बार लग जाते हैं,
और गाड़ी का प्राइस अभी है 24.5 लाख। जी जी सर, ठीक है। तो इसका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अगर कोई लेना चाहे तो कंपनी आपको डिटेल भेज देगी, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटे के बटन को जरूर दबाएं, और हमारा फेसबुक पेज है वो भी फॉलो करें। धन्यवाद।